आई होप यू आर डूइंग वेल। टू आज की वीडियो में जो है ना हम यू ई टी लाहौर के वाले से जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि उसके जो ना मास्टर के प्रोग्राम में जो ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं ठीक है आज ही एडमिशन ओपन हुए हैं तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा और यू टी लाहौर के जो ना 2023 के जो ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं ठीक है पहले आप इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म चेक कर लें ठीक है मास्टर एम एस एम फिल मास्टर के प्रोग्राम में ठीक है इसमें जो ना, uh, HCCC, है ना अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज़ रेलिवेंट डिसिप्लिन फॉर एच रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है सिक्सटीन ईयर एजुकेशन होनी चाहिए सी जी से अबव होनी चाहिए ठीक है और टू से जिसकी अबव सी जी बी अब जो ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें जो है ना जिन प्रोग्राम के सामने एम लिखा है ए, ए लिखे, वो मॉर्निंग में ऑफर हो, हो रहे हैं इनके सामने ई लिखा है वो इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं और जो डब्ल्यू लिखा है वो वीकेंड में ऑफर हो रहे हैं ठीक है लाहौर फैसलाबाद कालाशा काकू कैंपस दोनों तीनों कैंपस में जो ना एडिशन ओपन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर काला शाह काकू और फैसलाबाद मतलब जिन प्रोग्राम के सामने लाहौर काला शाह काकू और फैसलाबाद कैंपस लिखा है उस इस इसमें इनके वो प्रोग्राम जो है ना वो तीनों जो है ना कैंपस में ऑफर हो रहे हैं ठीक है जिस जिस प्रोग्राम के सामने कुछ नहीं लिखा वो सिर्फ लाहौर में ही ऑफर हो रहा है जिस प्रोग्राम के सामने काला शाह काकू लिखा है ठीक है वो काला शाह काकू में ऑफर हो रहा है ठीक है और जिस प्रोग्राम के सामने जो है ना वो मतलब तो सिर्फ काला शाह काकू जो जैसे आप यह देख सकते हैं तो ये सिर्फ काला शाह काकू में ही ऑफर हो रहा है एम एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों जो है न कैम्पस में ऑफर हो रहे हैं एम एस सी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इवनिंग ठीक है ये इवनिंग का तो अभी आपको समझ लग गई होगी कि इवनिंग में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है सिर्फ ठीक है एम एम एस सी बायो मेडिकल इजीनरिंग काकू इवनिंग में प्रोग्राम ऑफर हो रहा है एम एस सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहा है ठीक है एम एस कंप्यूटर साइंस लाहौर में कालाशा काकू और नारोवाल कैंपस में जो ना ऑफर हो रहा है एम एस सी डाटा साइंस एम एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक उसके बाद फिलिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम एस सी थर्मल पावर इंजीनियरिंग मकैनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रीनुएबल एनर्जी सिस्टम मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मेकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग थर्मो फ्लूट इंजीनियरिंग टेक्सटाइल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग उसके बाद फिलिटिया सिविल इंजीनियरिंग में एमएससी हाइड्रोलिक एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ठीक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग उसके बाद एम एस स्टक्चर इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसके बाद एम एस सी ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेटिक्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बिल्डिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस उसके बाद जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एम एस सी एम एस सी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हाइड्रो पावर एनर्जी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मॉर्निंग और इवनिंग ठीक है तो उसके बाद जो है ना फेलिलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एम एस सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोलिमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग मेटालोजिकल एंड मेटीरियल इंजीनियरिंग एम एस सी सर्विस साइंस एंड इंजीनियरिंग एम एस सेफ्टी हेल्थ एंड एनवामेंट उसके बाद फेलिलिटी ऑफ अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग में एम एस मीनिंग इंजीनियरिंग एम एस सी एंड अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग उसके बाद जो है ना एम एस सी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल साइंस पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर एम एस सी सिटी एंड रिलीजन प्लानिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एनवॉयमेंटल मैनेजमेंट एम एस सी डिजास्टर मैनेजमेंट मास्टर इन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन ठीक है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस ह्यूमैनिटीज एंड इस्लामिक स्टडी एम एम फिल अप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है एम फिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स उसके बाद नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम बी ए और एग्जीक्यूटिव एम बी ए ठीक है इसमें जो है ना अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन ही है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ फॉर फिलिंग द एप्लीकेंट ऑनलाइन व्यू विल व्यूइंग एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर ईच प्रोग्राम देखिए स्टूडेंट जो है ना अप्लाई करने से पहले जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट से जो है ना एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं अब ये इनकी वेबसाइट है ठीक है यहाँ से एडमिशन क्लिक कीजिएगा ठीक है यहाँ पे आपको जो है ना एम एस एम फिल एडमिशन और इनका यहीं से एलिजिबल क्राइटेरिया मिल जाएगा ठीक है उसके बाद प्रॉस्पेक्टस इज अवेलेबल ऑन एडमिशन पोर्टल प्रॉस्पेक्टर्स भी अवेलेबल है वहाँ से भी जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं सेपरेट एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इन मल्टीपल प्रोग्राम अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशन जो ना सबमिट करवानी पड़ेगी ठीक है बीन ऑफरिंग इन मॉर्निंग इवनिंग और वीकेंड इन डिसिप्लिन ठीक है अब चाहे आप जिस भी मॉर्निंग में गा रहे हो इवनिंग में गा रहे हो वीकेंड में गा रहे हो तो आपको सेपरेट ही अप्लाई करना पड़ेगा सेवनटीन जुलाई यानी कि आज से एडमिशन ओपन हुए हैं लॉग इन पोर्टल एक्टिव है सेव अब अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर अप्लाई करने का प्रोसीजर यह है कि आपने पहले ही सेवन हंड्रेड पेमेंट करवानी है ठीक है द एप्लीकेंट नीड टू लॉग ऑन द एडमिशन पोर्टल वी आर टोकन ऑन पेमेंट सेवनटीन हंड्रेड ठीक है टोकन नंबर जब आपको मिल जाएगा ठीक है तो देन आपने जो ना टोकन नंबर से जो ना लॉग इन करना है वो भी मैं आपको बताता बताऊँ और टोकन नंबर जो है ना वो एट अगस्त तक एक्टिव होगा मतलब कि सेवनटीन जुलाई से एट अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है ठीक है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं ठीक है अ टेस्ट एटी परसेंट विल बी रिलेटेड टू ओवर टू योर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स एंड रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट विल बी जनरल ठीक है एट्टी फ़ीसद जो आपका टेस्ट होगा वो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पे ही बेस करता होगा ट्वेंटी फ़ीसद जो टेस्ट होगा वो जनरल होगा ठीक है तो नाइन से एलेवेंथ अगस्त के दरमियान दरमियान मतलब नाइन टेंथ और इलेवंथ तीनों में से कोई भी दिन आपका जो टेस्ट है टेस्ट कंडक्ट हो सकता है इंटरव्यू जो होगा उसकी फिफ्टी परसेंट रॉ स्कोर टेस्ट ठीक है फिफ्टीन अगस्त तो टू एटीन अगस्त मतलब तीन दिन होंगे इंटरव्यू के लिए भी ठीक है मेरिट एग्रीगेट फार्मूला जो है ना वो बनेगा सिक्सटीन यर वेटेज फोटी परसेंट ठीक है टेस्ट वेटेज और ट्वेंटी परसेंट इंटरव्यू वेटेज ठीक है ऐसे जो ना आपका मेरिट कैलकुलेट होगा तो मेरिट कैलकुलेशन के वाले से भी आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं उसके बाद जो ना एडमिशन ऑफर विल बी स्टार्ट फिफ्टी ट्वेंटी फाइव अगस्त ठीक है ट्वेंटी फाइव अगस्त को जो ना एडमिशन ऑफर जो है स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर तो, सितंबर तो, 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 तो तो से जो ना आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइड सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ स्पेस ठीक है मतलब जो वो इस इसमें बेसिकली ये लिखा कहना चाह रही है यूनिवर्सिटी के पहले आए पहले पाए वाला साहब है मतलब जो स्टूडेंट जल्द आएंगे, ठीक है मतलब टाइम पे आएंगे तो उनको जो है ना हॉस्टल मिल जाएगा ठीक है क्योंकि जो स्पेस है हॉस्टल की उसी पे डिपेंड करता है ठीक है थर्टी क्रेडिट ऑर्ड्स वगैरह या क्रेडिट ऑर्ड वगैरह लिखे हैं ओनली दो प्रोग्राम हो विल ऑफर्ड इन इवनिंग और वीकेंड इन विच इनरोमेंट इज एट लीस्ट टेन क्लासेज विल बी कंडक्ट ऑन वीकेंड फ्राम नाइन एम टू फाइव पी एम ठीक है तो स्कॉलरशिप के वाले से भी देख सकते हैं डिफेंट यूनिवर्सिटी जो है ना डिफरेंट स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट को देती है उसके बाद जो है ना यहाँ से ही आप ये यूनिवर्सिटी का मेन इंटरफेस है ठीक है जैसे ही आप जिस यू ई टी लाहौर लिखोगे तो उस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस जो ना है ना आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ से एडमिशन ठीक है एडमिशन इन एम फिल एडमिशन ठीक है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका होगा ठीक है तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर एडमिशन इन एम एस और पी एच डी प्रोग्राम तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन इन एम एस तो आपके सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो ना ओपन हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अपना थ्रियर नंबर लिखिएगा यहाँ पे अपना जो है ना चलान पेड कोड लिखिएगा जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँगा कि सेवनटीन हंड्रेड आपने पहले सबमिट करवाना है उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉमेशन सारी उसके बाद एकेडमिक डिटेल वगैरह सब कुछ जो है ना आपने उनके साथ शेयर करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं ठीक है एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर जो स्टूडेंट इंप्लाय है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ठीक है साइज़ मस्ट बी लेस देन टू पी एम अब देखिए जब भी आप किसी पिक को अपलोड करते हो तो आप उसको जी पी जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो ठीक है प्रीवियस वीडियो में वो दफ़ा बता चुका हूँ कि जी पी जी फॉर्म में आप कैसे अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हो ठीक है मतलब ऑनलाइन गूगल क्रोम पर ही जो ना आप ऑनलाइन कन्वर्ट है जी पी जी फॉर्म पिक कन्वर्ट इन टू जी पी जी फॉर्म और फी स्ट्रक्चर के वाले से आप यहाँ से देख सकते हैं सब्सटाइज और पार्सअली सब्सटाइज़ ठीक है ये फ़ी स्ट्रक्चर कम होती है पार्शली सब्सटाइज़ में जो ना फी स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है चार्जेस वग़ैरह यहाँ पे लिखे हैं ठीक है और हॉस्टल वगैरह अकाउंटमेंट चार्जेस ठीक है रेंट रूम वग़ैरह सभी चार्जेस जो ना यहाँ पे लिखे हैं ठीक है ट्यूटोरियल फ़ी मैगजीन मेडिकल वगैरह लाइब्रेरी सब फ़ीस जो ना यहाँ पे लिखी है ठीक है सेमेस्टर हॉस्टल एंड चार्जेस हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे लिखे हैं ठीक है कंसोलिडेशन समर सेमेस्टर चार्जेस जुलाई या एंड अगस्त तो वो भी यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद जो ना 2023, income, है ना यहाँ पे एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 लाहौर इज़ बाउंड टू विध होल्ड एडवांस इनकम ठीक है एडवांस इनकम जो है ना वो आपसे लेगी टू लैख सीडिंग एज पर एनिम एट द रेट ऑफ फाइव ऑफ टोटल अमाउंट ठीक है तो ये भी जो है ना आप चेक कर लीजिएगा एक दफा पढ़ लीजिएगा फिर जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा ठीक है तो ये इसका फीचर है ठीक है इसके वाले से वो भी क्वेश्चन हो ऑकमेंट्स में पूछ सकते हैं इन शाला जल्द नेक्स्ट वीडियो में तो दो, दो मेरे खेलना